बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके प्रेस मीडिया। शाम की उर्दू खबरों के साथ मैं आपका मेजबान बट सरताज आपकी खिदमत में हाजिर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक दरखास्त दायर की गई, जिसमें बताया गया कि अंडर ग्रेजुएट नीट का जो इम्तहान 12 सितंबर को मुनाकद किया गया वो रद्द किया जाए और इसके लिए नया डेट शीट निकाला जाए। सात प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में जल्द ही 35,000 असामिया पूर की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर। बरेली यूपी के 25 साल नौजवान को असमत दरी के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसने नशे की हालत में 9 साल लड़की के साथ जिंसी ज्यादती की थी। पाकिस्तान की बुजुर्ग खातून ने आज अपना 210वां जन्मदिन मनाया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 95 नए मामले पेश आए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबादले और तकरारियां की। और अब खेल की दुनिया से एक खबर, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आप देखते रहिए जेके प्रेस मीडिया। अपने मेजबान और दोस्त सरताज भट्ट को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगानी रही तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।